तुम्हारे पांव के नीचे, तुम्हारे पांव के नीचे कोई जमीन नहीं, तुम्हारे पांव के नीचे कोई जमीन नहीं। कमाल ये है कि फिर भी तुम्हें यकीन नहीं। माननीय अध्यक्ष जी, कोरोना काल में ऐसा ही कहा गया था और कांग्रेस ने कहा था कि भारत की बर्बादी पर हार्वर्ड में केस स्टडी होगी, ऐसा कहा था। और कल फिर सदन में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में स्टडी की बात कल फिर हुई। लेकिन माननीय अध्यक्ष जी, मुझे विश्वास है भविष्य में कांग्रेस की बर्बादी पर सिर्फ हार्वर्ड नहीं, बड़े बड़े विश्वविद्यालयों में अध्ययन होना ही होना। और हाल ये, चुनाव हार जाओ ईवीएम खराब, दे दो गाली। चुनाव हार जाओ चुनाव आयोग को गाली दे दो। क्या तरीका है? अगर कोर्ट में फैसला पक्ष में नहीं आया तो सुप्रीम कोर्ट को गाली दे दो, उसकी आलोचना कर दो। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम है आरती अग्रावल। दोस्तों, आज लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गूंजे। कल राहुल गांधी के सभी सवालों का बिना नाम लिए कुछ जिक्र किया, और ऐसा जिक्र किया कि अब तमाम राजनीतिक गण इस पर कुछ विरोध भी कर रहे हैं, चर्चा लेकिन गर्म है। क्या कुछ कहा नरेंद्र मोदी ने, मैं आपको बताऊंगी। आप मेरे साथ चर्चा में जुड़ी, इस वक्त मैं फेसबुक पर लाइव हूं। तो मैं आपको बता दूं सबसे पहले कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने 9 साल के कार्यकाल में उनकी उपलब्धियां गिनाई। सबसे पहले तो उन्होंने ये कहा कि आज देश के लिए गौरव की बात है कि एक आदिवासी दलित महिला राष्ट्रपति हैं। जहां जल तक भी नहीं पहुंचता था, आज उन इलाकों में जल पहुंच रहा है। आज इज्जत घर में महिलाएं रह रही हैं। और इसके अलावा तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर बात की नरेंद्र मोदी ने। एयरपोर्ट्स का जिक्र किया, उन्होंने कहा 70 सालों में 70 एयरपोर्ट्स बने, लेकिन 9 सालों में ही 70 एयरपोर्ट बन गए। उन्होंने कहा कि अब रेलवे लाइन इतनी अच्छी बिछ चुकी है कि हर जगह वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का जिक्र होता है। हर जगह पहले ट्रेनों में लेट लतीफी का उदाहरण दिया जाता था कि ट्रेन टाइम पर पहुंचती नहीं थी, लेकिन आज वंदे भारत जैसी एक्सप्रेस ट्रेनों का एग्जाम्पल भारत के नाम पर दिया जाता है। और तमाम जो नेता हैं, चाहे विपक्षी हों चाहे पक्ष के हों, हर कोई चाहता है कि वंदे भारत जैसी ट्रेनों में सफर करे। अब सफर ट्रेनों के माध्यम से इतना आसान हो चुका है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि हम पिछले 70 सालों को का अगर ग्राफ देखते हैं तो हम महंगाई से जूझ रहे थे, तमाम बातों से जूझ रहे थे। हमें जो आज जो GB डेटा हमें कुछ मुफ्त मिलता है वो हमें मिलता नहीं था, हमें उसके लिए काफ़ी रकम अदा करनी पड़ती थी, लेकिन अब सैकड़ों GB डेटा हमें मुफ्त मिल जाता है। अगर उसके हिसाब से देखें तो आज भारत एक ऐसा देश है जहां हर किसी के पास इंटरनेट की सुविधा है और वो जो चाहे कर सकता है। सबके पास लगभग फ़ोन है और डेटा का एक्सेस है, जिससे जहां भी चाहे पूरी दुनिया में वो बातें कर सकते हैं। इन तमाम बातों का जिक्र किया नरेंद्र मोदी ने। उन्होंने ये भी कहा कि किस तरह कल राहुल गांधी ने जब लोकसभा में लगातार सवाल उठाए थे, उन्होंने फॉरेन पॉलिसी पर सवाल उठाए थे कि देश की फॉरेन पॉलिसी ऐसा लगता है कि वो सिर्फ अडानी और अंबानी के लिए बनाई गई है। उन्होंने ये भी कहा था कि जब भी नरेंद्र मोदी विदेश की यात्रा करते, कोई भी विदेशी यात्रा करते हैं, तो उसके तुरंत बाद उनके परम मित्र अडानी को वो प्रोजेक्ट मिल जाता है। ऐसे तमाम सवाल राहुल गांधी ने कल लोकसभा में उठाए थे, लेकिन आज संसद में प्रधानमंत्री मोदी ने अडानी का नाम लिए बिना सभी सवालों के जवाब दिए। उन्होंने ये कहा कि झूठ से मुझे ये जो झूठ का जाल फैलाया जा रहा है, इससे मुझे कोई नुकसान नहीं होने वाला है। उन्होंने ये कहा। साथ ही उन्होंने ये कहा कि जो भारत की जनता है वो मेरा सुरक्षा कवच है। मुझे जो हेडलाइंस या फिर पहचान मिली है वो भारत की जनता के भरोसे से मिली है, ना कि किसी अखबार की सुर्खी की वजह से, ना ही टीवी पर चमकते सितारों की वजह से, ना ही मीडिया में चमकते सितारों की वजह से मुझे पहचान मिली है। मुझे जो पहचान मिली है देश की जो
125 करोड़ जनता है उसके भरोसे से मुझे ये मिली है, ना कि किसी की ये किसी अखबार या फिर मीडिया की दी हुई देन है ये। इसके अलावा उन्होंने तमाम ऐसी बातें की, वैसे तो अगले साल चुनाव और त्रिपुरा में भी अब आगे चुनाव होने वाला है, त्रिपुरा के राज्यों को भी उन्होंने टच किया। उन्होंने ये कहा कि अब त्रिपुरा नॉर्थ ईस्ट में का ऐसा राज्य है जहां पर हर सुविधाएं मौजूद है। इसके अलावा राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि एक वक्त वो था जब मैं तिरंगा फहराने गया था और आतंकवादियों ने मुझे धमकी दी थी कि अगर माँ का दूध पिया है तो यहाँ पर तिरंगा फहरा के दिखाओ। तब मैंने कहा था हाँ, अब देखते हैं किसने माँ का दूध पिया है। मैंने माँ का दूध पिया जब आतंकवादियों ने पोस्टर तक लगा दिए थे कि यहाँ पर आओगे तो मारे जाओगे, लेकिन हमने जाके तिरंगा फहराया था। लेकिन जम्मू कश्मीर से 370 निरस्त होने के बाद अब वहां पर इतनी ज्यादा शांति बहाल है कि राहुल गांधी या फिर कोई भी वहां पर जाकर तिरंगा आराम से फहरा सकता है। ये सब नरेंद्र मोदी ने कहा। नरेंद्र मोदी ने लगातार विपक्ष पर हमला बोला, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लगता है नरेंद्र मोदी के जो राष्ट्रपति के अभिभाषण प्रस्ताव पर, धन्यवाद प्रस्ताव पर संबोधन कर रहे थे, कहीं ना कहीं लगता है महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दों को शायद इग्नोर किया है। आप लोगों में से भी कई लोगों ने ये भाषण सुना होगा, ये संबोधन नरेंद्र मोदी का सुना होगा। इस पर आपकी क्या राय है, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, व्यू पॉइंट है? क्या आपको लगता है वाकई प्रधानमंत्री की तरफ से इन सभी बातों को छुआ गया है? और क्या वाकई नरेंद्र मोदी जिस तरह कह रहे हैं कि जो 70 सालों में नहीं हुआ वो पिछले 9 साल के कार्यकाल में भाजपा की सरकार ने करके दिखाया है? और क्या वाकई, क्योंकि हिंडनबर्ग रिसर्च के आने के बाद से 24 जनवरी के बाद से ही लगातार गौतम अडानी ग्रुप के कई उसके बाकी एंटरप्राइजेस के, चाहे वो कोई भी कंपनीज हो, फूड कंपनीज हो या कोई भी बाकी और कंपनीज हो, उनके शेयर्स लगातार धड़ाम से लुढ़क रहे थे। लेकिन पिछले 2 दिनों में एक बार फिर से अडानी ग्रुप्स के कुछ कंपनीज का शेयर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है शेयर मार्केट में। थोड़ी सी अडानी ग्रुप के परस्पेक्टिव से देखा जाए थोड़ी सी रौनक आई है। तो इसी को लेकर राहुल गांधी ने कल लोकसभा में निशाना साधा था नरेंद्र मोदी के ऊपर, लेकिन आज उन्होंने बिना नाम लिए कहीं ना कहीं सारे के सारे जवाबों सारे सवालों का जवाब ऐसा लगता तो है कम से कम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कि दिया है। इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण बातें कही हैं नरेंद्र मोदी ने, वो मैं आपको बताना चाहती हूँ। जो मेन पॉइंट मोदी की तरफ से रहे वो मैं आपको बताना चाहती हूँ। उन्होंने इज्जत घर का जिक्र किया, उन्होंने 9 करोड़ लोगों को मुफ्त गैस कनेक्शन का जिक्र किया, उन्होंने कहा कि 11 करोड़ बहनों को, महिलाओं को इज्जत घर मिल चुके हैं, जो पहले बिल्कुल मुश्किल था, नामुमकिन सा लगता था, लेकिन अब 11 करोड़ बहनों के पास इज्जत घर है। 9 करोड़ लोगों को मुफ्त गैस कनेक्शन मिल चुका है, जो चूल्हे में महिलाएं दुखी होकर धुएं में लिपटी हुई पूरे खाना बनाती थी, लेकिन आज सबके पास गैस कनेक्शन मौजूद है। महिलाओं को, गरीब महिलाओं को, देश की महिलाओं को, गांव में रहने वाली महिलाओं को अब जो रोजमर्रा की परेशानी थी उससे दो चार नहीं होना पड़ता। तो इसी कड़ी में उन्होंने उस गैस कनेक्शन की बात की, उन्होंने इसी कड़ी में इज्जत घर की बात की। इसके अलावा 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन पहुंचाने की उन्होंने बात की कि आज देश में 80 करोड़ लोगों तक मुफ्त राशन पहुंच रहा है। इसके अलावा उन्होंने 8 करोड़ परिवारों को नल से जल देने की बात की, जो मैं अभी आपसे कुछ देर पहले जिक्र कर रही थी कि अब ऐसे इलाके थे जहां पर जल नहीं पहुंचा करता था, लेकिन अब जो गवर्नमेंट की तरफ से वाटर सप्लाई का पाइप है वो लगभग हर जगह बिछ चुका है और हर कोने तक, यूं कह सकते हैं कि देश के हर गांव तक अब जल पहुंच रहा है। प्रधानमंत्री ने इस बात का भी जिक्र किया, उन्होंने कहा कि 2 करोड़ परिवारों को आयुष्मान योजना की सौगात मिली, 9 करोड़ बहनों को स्वयं सहायता समूह से जोड़ा गया। इसके अलावा भी उन्होंने तमाम आंकड़े गिनाए, उन्होंने कहा कि साल 2014 के बाद से देश ने इतनी तरक्की की है कि आज भारत कोरोना महामारी के बाद, और इतना कोरोना महामारी लॉकडाउन रहा दो साल, उसके बावजूद भी आज भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। भारत कोरोना के बावजूद भी लड़खड़ाया नहीं और स्थिर अपने कदम रखते हुए आगे बढ़ा, और आज भी मजबूत स्थिति में भारत खड़ा है अगर उसकी अर्थव्यवस्था को देखा जाए। उन्होंने कहा कि जो पिछले कार्यकाल में, कांग्रेस के कार्यकाल में 2004 से अगर 2014 के कार्यकाल का अगर जिक्र किया जाए, उसे देखा जाए, उसके मद्देनजर प्रधानमंत्री का कहना है कि कहीं ना कहीं जिस भारत की दरकार देश का युवा देखता था वो कहीं ना कहीं पीछे रह जाती थी। उन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का जिक्र किया,
उन्होंने लगभग सभी बिंदुओं पर रोशनी डालने की कोशिश की, लेकिन फिर भी हम कहेंगे कहीं ना कहीं जो इम्पोर्टेंट मुद्दे थे वो शायद प्रधानमंत्री की तरफ से भी छूट गए। उन्होंने बजट का भी जिक्र किया कि किस तरह, क्योंकि बजट का सत्र चल रहा है, उसका सातवां दिन था, उन्होंने बजट का भी जिक्र किया। उन्होंने ये भी कहा कि इस बार का बजट बिल्कुल मिडिल क्लास के लिए है, जिस तरह 7 लाख की सालाना आय वाले लोगों को टैक्स में छूट दी गई है, ये तमाम बातें उन्होंने जिक्र की। लेकिन कहीं ना कहीं फिर भी यही लगता है कि उन्होंने शायद बेरोजगारी और महंगाई जैसे मुद्दों को कम से कम नहीं छुआ, क्योंकि महंगाई जिस तरह चरम पर है, लगातार बढ़ती जा रही है, पेट्रोल डीजल की, क्योंकि इस बार पेट्रोल डीजल के स्लैब को कहीं भी छुआ नहीं गया, उसमें किसी भी तरह की कोई भी कमी नहीं दर्ज कराई गई है, उस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नहीं बोला। लेकिन कहीं ना कहीं जो कल मंगलवार को जिस तरह राहुल गांधी ने अडानी को लेकर, हिंडनबर्ग रिसर्च को लेकर, उस रिपोर्ट को लेकर बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोला था, वो कहीं ना कहीं उसका जवाब आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दे दिया। उन्होंने डेटा का जिक्र किया कि अब लोगों को फ्री डेटा मिल रहा है, 70 साल में 70 एयरपोर्ट का जिक्र किया कि अब 70 और 9 साल में 70 एयरपोर्ट बन चुके हैं, डिफेंस एक्सपोर्ट्स का जिक्र किया उन्होंने, और उन्होंने लाल चौक पर झंडा फहराने का जिक्र किया। ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि अब हालात इतने अच्छे हो चुके, इतने बेहतर हो चुके कि अब कोई भी जाकर लाल चौक पर तिरंगा फहरा सकता है। पहले तिरंगा फहराने की बात से ही आतंकियों की धमकी मिलने लगती थी, लेकिन अब आर्टिकल 370 निरस्त होने के बाद से ही जम्मू कश्मीर में इतनी अच्छी तरह शांति बहाल हो चुकी है कि हर कोई वहां पर कोई भी जाकर काम कर सकता है, कोई भी जाकर सुकून से रह सकता है, ये कहना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। बहरहाल इस पर आपकी क्या राय है, आपको क्या लगता है कि आज का अभिभाषण, जो राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन था, उस पर क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रत्येक बिंदुओं को छुआ है, कि हर पॉइंट्स को उन्होंने टच किया है, क्या वाकई ही बेरोजगारी और महंगाई पहले के मुकाबले अब नहीं है, क्या हर आज का युवा उसके पास रोजगार है, ये सब बातें कहीं ना कहीं छूटी हुई हैं। लेकिन आपको क्या लगता है, अपनी राय यहाँ पर दर्ज करा सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई पॉइंट्स यहाँ से लैक हो चुके हैं, छूट चुके हैं, तो उस पर भी आप अपने ओपिनियन दर्ज करा सकते हैं। कल फिर मिलूंगी 6:30 बजे करीब, आज थोड़ा लेट हो गया तो उसके लिए माफी चाहती हूँ, लेकिन कल टाइम से आने की कोशिश करूंगी। कल का जो रीसेंट मुद्दा होगा कोशिश करेंगे उसी पर चर्चा हो। बाकी इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है वो आप हमें कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। चलिए इजाजत लेती हूँ, अपना बहुत ख्याल रखिए, गुड नाइट।